गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरी सुबह हो चुकी है और कितना कुहासा है ना, हमको बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह। और इधर मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह हम लोग का यही काम ही होता है, सुबह उठ के झाड़ू लगाना। फिर मैं नहा धो ली, नहा धो के फिर गेहूँ डाला। 3 दिन से मैं गेहूँ डाल रही हूँ, सूख नहीं रहा क्योंकि मौसम सही नहीं है, धूप सही नहीं हो रहा है। और ये देखिए कौन आ गया, ये 3-4 है एकदम परेशान करके रखे हुए हैं, 3-4ों। और बहुत ही से तेज जो होते हैं सब अपने में झगड़ते हैं, लकी को परेशान करते हैं। और शाम हो गई, शाम को आज मज़ेदार मैं रबड़ी बनाऊंगी। तो ये दूध में छान रही हूँ क्योंकि मोटा बर्तन में आप बनाइए ना तो नीचे जलेगा नहीं, वो पकड़ेगा नहीं और खूब अच्छा होगा। ये नया चावल का मैं बनाऊंगी खीर, बहुत ही अच्छा। जैसे नया चावल हमारे धान हुआ था तो हमने कुटाया, तो सोचा खीर बना लूँ, रबड़ी जैसा बहुत मस्त होता है। तो मैंने 2-3 पानी इसको धोया क्योंकि जो गंदा होता है निकल जाता है। और इसको मैं दूध उबलने लगा तो मैं इसको डाल दी इसमें, और धीरे धीमी आँच पे पकाइएगा क्योंकि धीमी आँच पे ना बहुत ही अच्छा होता है और बढ़िया भी होता है। और उसके बाद ही मैं हमेशा जब मतलब ये नया चावल नीचे पकड़ लेता है तो हमेशा चलाना होता है। और ये मैं पचमेवा जो बोला जाता है ना, पचमेवा मैंने सब डाला उसको, और गाढ़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और स्वाद अनुसार चीनी डालिएगा जितना आपको पसंद होगा। और चीनी कब डाला जाता है पता है, जब चावल हाथ में मसलिए अगर चावल हो जाए ना तब चीनी डालिए, क्योंकि पहले चीनी डालने से चावल गलेगा नहीं, ऐसे लोग कहते हैं, हम भी सुने हैं। तो चीनी में जब आधा मतलब हो गया था तब मैं चीनी डाली, उसके बाद फिर उसको खूब रगड़ी। तो और धीमी आँच बनाइएगा क्योंकि बहुत अच्छा, तेज़ आँच पर जल्दी जल्दी करने से अच्छा नहीं होगा। और आलू की पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही मस्त लगेगा। तो मैं गर्मा गर्म आलू की पूड़ी बना रही हूँ, हरी हरी, क्योंकि ठंडी में सब कुछ हरा ही तो रहता है। और तवे पे बना रही हूँ क्योंकि छान के खाना और तवे पे सेक के खाइए, बहुत सोनापन इससे और अच्छा लगेगा। इससे ज़्यादा बनाना है तो चूल्हे पे बनाइए सेक के, वो भी अच्छा लगेगा बिना तेल लगाए हुए। और देखिए मेरी रबड़ी एकदम तैयार हो गई, बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छी बनी थी। और खाने के बाद तो हो रहा था कि अरे वाह क्या बना दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऊपर से मैंने गड़ी का बुरादा डाला जिससे ये और खूबसूरत दिख रहा था। और गर्मा गर्म पूड़ी मैंने यश, लकी और अपने तीनों लोग बैठ के किचन में हम लोग खाते हैं ऐसे बैठ के ज़मीन पे। और यश तो सोया हुआ था, मैंने जगाया उसको और बोला मम्मी बहुत ठंड लग रही है, हम कहीं उठो गर्मा गर्म खाओगे तो शरीर के अंदर गर्मी होगा तो ठीक होगा। और ये लकी है, लकी तो मेरे साथ ही था, पूरा वीडियो इसने ही बनाया हमारा। तो गुड नाइट बोल रहे हैं दोनों, तो हम भी खा रहे हैं, बहुत ही हमको तो बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम बना के, एकदम दिल खुश हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय बाय।